रे पानी उतर के धक्का दे दीजिए आप। आराम से आराम से आराम से। पूरा पानी घुस गया भाई साहब। अकेले नहीं होगा। Hey, what's up, dude? This is आदिवासी बॉय सिन खलखू। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डूड। तो भैया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुंजी। तो कल हम लोग यहाँ 11 बजे पहुंचे और तो हमने कल स्टे किया था सीओम होटल में यहाँ गुंजी में। जो आप आओगे तो यहाँ लेफ्ट साइड पे पड़ेगा। तो यार काफी बेहतरीन था यार, अच्छा खासा हमने रात बिताया। अभी जो मैं नजारे देख रहा हूँ भाई साहब, तबाही वाला है। और अभी हम लोग जा रहे हैं कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत यहाँ से समथिंग 35 किलोमीटर या 32 जो है, 35 मतलब आना जाना 70 मान के चलिए। और ओम पर्वत मतलब यहाँ से 13-14 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम अपना दूर वाला डेस्टिनेशन को कवर करने की कोशिश करते हैं, फिर वापसी आएंगे, फिर ओम पर्वत जाएंगे। तो आज का प्लान ये है और चलेंगे आगे और नजारे आप लोग को दिखाएंगे कि आज क्या क्या सीन देखने को मिलता है और हमारे साथ आज क्या क्या होता है। तो ठीक है, नजारे दिखाते हैं। आए थे हम लोग दो ही, कल तीन भाई से हमने मिला। तो पिछला ब्लॉग आप लोग देखे होंगे तो समझ जाओगे कि हम कैसे मिले। अचानक से रूट एक ही पड़ रहा था, हम सोचे कि चलो यार साथ ही कर लेते हैं। तो बस यही सब छोटी छोटी बातें। तो ठीक है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब ये आप ब्यूटीफुल पहाड़ जो देख रहे हो, बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। इस पहाड़ का नाम है अन्नपूर्णा। बता रहे थे लोकल कि यहाँ पर भी एक है जो कि शिव जी की मूर्ति दिखती है इधर को कहीं पे। तो अभी तो धूप धूप है ना, तो नजर नहीं आ रहा है, तो देखते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, बाकी आप व्यू चेक करें, मैन व्यू चेक करें, माशाल्लाह कितना बेहतरीन जगह में रहते हैं ये गुंजी वाले। मुझे तो मोहब्बत हो गई इस जगह को देख के। मतलब चारों ओर देखिए पूरा पहाड़ी पहाड़ है और बीच पे गांव। बचपन में ऐसा फोटो देखा करते थे, ड्राइंग बनाने बोलते थे, सबसे पहले ख्याल ऐसा ही आता था, एक पहाड़ बनाए, एक गांव बनाए और एक नदी बनाए, जो कि यहां देखने को मिल रहा है यार। काफी बेहतरीन जगह है। वाह, गुड मॉर्निंग, जाने के लिए रेडी हो? एकदम। और दीपक भाई गुड मॉर्निंग, जाने के लिए रेडी हो? ये गाड़ी को एनर्जी दे रहे हो क्या? यो क्या बात है, गाड़ी को भी एनर्जी देना जरूरी है ना। तो भाई साहब हमने यहाँ भी गाड़ी पे फ्यूल डाल लिए, मतलब इसको नाश्ता करा लिए, अब आगे चलने को रेडी है। तो भाई साहब हम अपना गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब समझ रहे इतना ठंडे जगह में बाकी एक ही बार में स्टार्ट हो रहा है। तो वेल डन बेली, वेल डन। तो भाई साहब जहाँ हम लोग रुके हुए थे वो होटल दिखा देता हूँ आप लोग, पर पर्सन 1000 रुपया करके है और खाना ब्रेकफास्ट उसी में इंक्लूड है। ये था हमारा घर कल के लिए। सब हमारा आज का ब्रेकफास्ट ये है, पूरी और ये छोले और ये रहा चटनी। तो भाई साहब हम लोग यहाँ रुके हुए थे, तो अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। आंटी जी धन्यवाद। हाँ चलिए फिर आएंगे कभी मौका मिलेगा तो। अच्छा लगा, टेस्टी खाना था, डिनर भी अच्छा था, ब्रेकफास्ट भी अच्छा था, मतलब घर वाली फीलिंग आई खा के। अगर हमारा लेट हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे शाम को यहाँ। तो भाई साहब फाइनली हम लोग यहाँ से गुंजी से निकल लिए, अब आगे जा रहे हैं कैलाश पर्वत। राइड पे आप जाओगे यार खाना अच्छा मिल जाएगा, दिन बन जाता है, मतलब टेंशन फ्री। और वो भी सुंदर से गांव पे आके, वो भी घर वाली फीलिंग यार, मज़ा आ गया, बड़ी मज़ा आ गया। हम कल नीचे से आए थे, इधर से आप आओगे तो ये टर्निंग आप जरूर गौर करना यार, यहाँ जिस जिधर गए ये गुंजी हुआ, इधर आगे को जाओगे तो नावी। तो भाई साहब अभी सुबह के बज रहे हैं 7:44 और हम 7:44 में अपना राइड कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर भी यहाँ ठंडा है यार, अभी 11 डिग्री दिखा रहा है।
ओए नजारे चेक करे गाइस। कल हम रात में आए थे तो हमें पता नहीं चला यार कि हम इतने खूबसूरत जगह में पहुंचे हुए हैं। मैं रिकमेंड करूंगा यार, आप जरूर आओ। आप बाइकिंग के शौक रखते हो तो आ जाओ यार, आ जाओ। और ऑफ रोडिंग शौक हो तो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। मैं उम्मीद नहीं किया था यार कि इतने हाइट पे आ जाने के बाद भी इतना खूबसूरत सड़क मिलेगा और ये खूबसूरत नज़ारे। क्या करूँ आज, क्या क्या कैप्चर करूँ, क्या क्या ना करूँ, मुझे तो अभी से दिमाग ख़राब हो रहा है। और यार ठंडा है भाई। तो आप आते हो तो यहाँ एक बार जरूर से मतलब आगे कैलाश जाने से पहले यार यहाँ थोड़ा नमन कर लेना। या इस मंदिर का मान्यता बहुत है, बताया जाता है कि जो भी कैलाश पर्वत जाते हैं यहाँ से अपना सिर झुका के जाते हैं यार। तो आप भी दर्शन कर लो और हम आगे को चलते हैं यार। क्या खूबसूरत लग रहा है ये भी। आप यहाँ आते हो तो थोड़ा सा यार गाँव वाला जो होम स्टे होटल वगैरह है वो लोग कुछ ज़्यादा ही चार्ज करेंगे, तो आप बस बार्गेनिंग करना, बार्गेनिंग करने से हो जाएगा। रात में हम लोग आए थे तो यहाँ वाटर क्रॉसिंग था एक छोटा सा, ये रहा वो। पानी नहीं आना चाहिए भैया, पानी नहीं। हाँ उधर से तो रास्ता काफी अच्छा है यार, उधर तो इतने बड़े बड़े पत्थर थे उसमें हमने चला के आया। ठंडा, क्या खूबसूरत लग रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है, वाह। क्या नज़ारे यार, देखो नदी और नदी के किनारे हम चल रहे हैं और पीछे लिखा हुआ था कि आप धीरे चले प्रकृति की गोद में। यार ऐसे नज़ारे रहेंगे तो स्पीड कौन ही चलाएगा बताओ। जन्नत है भाई जन्नत, अगर यहाँ बर्फबारी थोड़ी सी भी रही ना तो मज़ा आ जाएंगे। ये पहला पुल है और काफ़ी, वाह रे वाह भैया, क्या ही कहना इस खूबसूरती को। इधर नदी इधर पहाड़ और हम पुल के अंदर से जा रहे हैं, वाह। चलते चलते कहीं हम चाइना ना पहुंच जाएं। देखो देखो आप लोग बस देखते जाओ, मेरा काम है आप लोगों को दिखाना। एक गियर में चढ़ाना पड़ेगा बिड़ू, चढ़ने देता हूं पहले अनुज भाई को। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। चढ़ गई बेली, यू कैन डू इट बेली, यो बॉय। हमारे साथ जो राजस्थान के भाई लोग थे वो लोग हम लोग से आगे हैं, काफी आगे निकल गए हैं वो लोग। हम तो भैया फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते आ रहे हैं। तो भाई साहब अभी हम रुक के यहाँ का लोकल लोग से पूछे कि ये नदी का क्या नाम है, तो उन्होंने बताया कि धौली गंगा करके है नदी का नाम। अच्छा ग्लेशियर देख रहे हो, ये है बर्फ का, ऊपर से बर्फ आया और ये ग्लेशियर है भाई। पत्थर की तरह लग रहा है लेकिन ये पत्थर नहीं है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर भाई साहब। ये सब बर्फ है, ये सब, ये यार मैं ज़्यादा आगे नहीं ना हो गया, अनुज भाई दिख नहीं रहे यार, डर लगता है यार बॉर्डर एरिया में चलने में, ऐसा पता नहीं चलते चलते निकल गए चाइना को तो जिंदा वापस नहीं आएंगे हम। और आसपास कोई आदमी लोग भी नहीं है। अरे यार खतरनाक एक्सपीरियंस है ये वाला, खतरनाक। और आज वेदर भी बहुत अच्छा है यार, धूप खिली पड़ी है और नज़ारे तो अल्टीमेट शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो काफ़ी देर चलने के बाद यहाँ कुछ लोग नजर आए हैं, इनसे मैं पूछ लेता हूँ। कैलाश पर्वत इधर ही, ओह। और दो बाइक पार हुआ, और आप लोग कहाँ, झारखंड से, कहाँ से, जोहार रहेगा जोहार, कहाँ से, दुमका, अच्छा हम हुए रांची से।
आप लोग तो इधर 4-5 महीना रहोगे अभी? 6 महीना। मतलब ये बॉर्डर एरिया है अपना झारखंडी भाई लोग। चलो ठीक है, वापस आते सब मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा है यार इधर अपना झारखंड वाला भाई लोग काम करने के लिए आया हुआ है। तो ये भी भाई लोग अपना झारखंडी है। अब ये नदी कहाँ से शुरू हो रहा है? अरे रे रे, क्या व्यू है भाई साहब। यार नदी थोड़ा हाइट से गिर रहा है यहाँ पर, मतलब ऊपर से आ रहा है उस टाइप का लग रहा है। चलिए जरा सामने जाके देखें कि माजरा क्या है। देखो वो रहा सामने से गिर रहा है। हाय हाय नजारे बिड़ू। अच्छा यहाँ तो पानी कितना जंगली जैसा आ रहा है, इतना ताबड़तोड़ वाला, इतना गुस्से में आ रहा है वो, ऐसा लग रहा है देखने से। देखो ये देखिए ये तो भाई साहब अभी मैं नज़ारे दिखाऊंगा ये टर्न के बाद। आप ऊपर देख पा रहे हो कुछ? लग रहा है चमक रहा है कुछ आगे? पूरा एकदम बर्फ से ढका हुआ है वो, एक नंबर। अब तो ग्रीन पर्वत आ गए भाई, वाह। अरे रे रे, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। सामने सामने चेक करें आप। अरे रे रे रे, एक नंबर। और ये रहा ग्लेशियर, ग्लेशियर को मैं आज पहली बार छू के देखता हूँ। चलो चलो भाई जी, ये नहीं रुकना गड, ये ग्लेशियर। बहुत दिन के बाद ऐसा प्लेन रास्ता देखने को मिला है और ये काफी खूबसूरत भी लग रहा है यार। देख रहे हो, मतलब एक नंबर। और शायद हमारे साथ जो थे राजस्थान के भाई लोग वो आगे रुके पड़े हैं। COVID-19 के कारण कुटी गांव में आपका प्रवेश वर्जित है, उचित दूरी बनाए रखें। तो फोटो में देखने से लगा था कि यही आसपास कोई है ना पर्वत, कुटी से नहीं, वहाँ जो हम लोग जहाँ रुके फोटो वगैरह खींचा है मंदिर पे, तो वहाँ जो पोस्टर लगा हुआ था ना कैलाश करके, तो थोड़ा थोड़ा हमको लग रहा है यही चीज घूम के कोई एंगल से होगा व्यू। तो भाई साहब देखो चारों ओर बर्फ का पहाड़, ये रहा वो रहा। तो हम लोग को सामने छोटा सा झरना दिखा है, वाटरफॉल, और ये पानी आ रहा है बर्फ के पानी है। ये बहुत ठंडा होगा यार, काफी ठंडा। देख रहे हो दूध जैसा दिख रहा है, इतना वाइट। और यार कीचड़ वाला सीन है ये तो। आराम से मैं तो इसी में पार कर लेता हूं यार। यो बॉय, यो बेली। ये थोड़ा सबसे हार्ड वाला वाटर क्रॉसिंग लग रहा है। आराम से एक ही स्पीड पे पार करो। तो मेरी बारी अब। यो बॉय, अबे यार पानी घुस गया। ओ हो, अबे अबे अबे
खड़ी चढ़ाई, एकदम सीधा चढ़ाई है। तो भाई साहब वो सामने घर दिख रहा है वो है कुट्टी, मतलब इधर का आखिरी विलेज है ऐसा मैं अपना अनुमान से बता रहा हूँ, शायद से मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें। तो कुट्टी में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, शायद से 20 घर होगा यहाँ पर जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ अभी। गुड मॉर्निंग। तो भाई साहब अभी हम लोग चेक पोस्ट पे थे, अपना यहाँ परमिट वगैरह दिखाए, ILP अंतिम गांव बोर्ड पे लिखा हुआ था। मुस्कुराइए, आप अश्विन के YouTube चैनल में ये नज़ारे देख रहे हो। तो भाई साहब हमें फिर और एक चेक पोस्ट मिला था, वहाँ भी हमने अपना एंट्री करा लिया, अब आगे जाते हैं। आगे मैंने पूछा सर लोग से कि यार सर आगे कितना किलोमीटर जाना होगा, तो बताया 14 किलोमीटर होगा और आपको थोड़ा सा रास्ता उबड़ खाबड़ टाइप मिलेगा और बर्फ़ के बीच से आप जाओगे। तो वो सीन कहाँ आता है जानने के लिए देखते रहिए अश्विन DZD YouTube चैनल। थोड़ा मोड़ा फन करना बनता है ब्रो, यार कितना सीरियस बात करे। तो भाई साहब ये चेक करें कितना भयानक, हाँ ग्लेशियर दोनों साइड ऐसा है और बीच से पानी आ रहा है, मस्त है। A few moments later. तो भाई साहब अनदर वाटर क्रॉसिंग, ये थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा है यार, ये इतना शुद्ध पानी है ना कि आप इसको पी भी सकते हो। आराम से आराम से आराम से आराम से। यो बॉय, काफ़ी बेहतरीन वाटर क्रॉसिंग था ये वाला, हैवी थोड़ा सा पानी अंदर आ गया लेकिन कोई नहीं सूख जाएगा। तो भाई साहब कल की अपेक्षा में तो ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, मतलब कम से कम प्लेन तो है, कल हमने आया तो पत्थर में होते हुए गिट 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 इस टाइप से हम रास्ता का तारीफ क्या कर दिया, फिर वही रूट आ गया। हम बोल रहे कम से कम पत्थर तो नहीं ना मिल रहा आज, ये बोल रहे और लो जी सामने पत्थर मिली है। और थोड़ा सा एक एनर्जी लगता है यार गाड़ी को कंट्रोल करने में और इतने हाइट पे आ जाने के बाद, और थोड़ा थोड़ा मेरे को लग रहा है सांस फूलने टाइप। अबे क्या सीन है बिड़ू, क्या सीन है, वाह रास्ता देखे कि उधर देखे समझ में नहीं आ रहा है, और ठंडा ठंडा हवा भी लगना स्टार्ट हो गया, मतलब बर्फ वाला, और गर्मी लग रहा था नीचे तो हम ग्लव्स खोल दिए थे। अब देखते हैं कुछ दूर जाते हैं फिर देखते हैं, लगता है बताया 14-15 किलोमीटर है, लगता है अरे तुरंत पहुंच जाएंगे यार, लेकिन ये चेक करें आप किस किस टाइप के रास्ते पे जाना पड़ता है। तो भाई साहब हम लोग अभी कैलाश पर्वत पहुंचने ही वाले हैं, तो बीच में हमें काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है यार, तो हम मजबूर हो गए रुकने को, तो हम आपको व्यू चेक कराते हैं गाइस। तो व्यू चेक करें आप, वो फोटो आपको देखने को कहाँ मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे रहा हूँ, जाके फॉलो करो MR Khalkhoo 98, तो वहाँ काफी बेहतरीन फोटो मिलेगी। और हमें फर्स्ट झलक दिख गई है, वो है कैलाश पर्वत जो छोटा सा नजर आ रहा है वही है, तभी जिगजैग करके जाना है और दर्शन करना है और वापसी को निकल जाना है। जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद।
तो भाई साहब आप देख सकते हो यार, ग्लेशियर के बीच से हम होते हुए जाएंगे अभी। अरे रे पानी यार, उतर के धक्का दे दीजिए आप। अरे यार पानी घुस रहा है, ओ माय गॉड। अच्छा उतर लीजिए ना, उतर के धक्का दे दीजिए। उतर ही नहीं रहा भाई साहब। पानी खतरनाक आ रहा है। आराम से आराम से आराम से। आ गया गाड़ी, अरे रे रे बाप रे, काफी भयानक है यहाँ तो वाटर क्रॉसिंग। आ जाओ धक्का देना, आ जाओ। नहीं ना गिरेगा गाड़ी, पूरा पानी घुस गया भाई साहब यार। अकेले नहीं होगा।